Top 10 Airlines Companies in India. Top 10 Star Air. Star Air एक इंडियन एयरलाइंस कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 2017 में हुआ था। स्टार एयर का हब कोम्पेगोडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। टॉप 9 ट्रूजेट। ट्रूजेट एक इंडियन रीजनल एयरलाइन कंपनी है। इस कंपनी की स्थापना 2013 में हुआ था। ट्रूजेट कनेक्टिविटी पॉइंट है टायर 2 सिटीज़ के बीच। ट्रूजेट की हब पॉइंट राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। टॉप 8 एलायंस एयर। एलायंस एयर इंडिया की रीजनल एयरलाइंस है। यह एयर इंडिया की सब्सिडरी यूनिट है। एलायंस एयर की स्थापना 1996 में हुआ था और एलायंस एयर डोमेस्टिक रूट्स में ऑपरेट होती है। टॉप 7 एयर इंडिया एक्सप्रेस। बेस्ट एयरलाइन के लिस्ट में एयर इंडिया एक्सप्रेस 7वें नंबर पे आता है। एयर इंडिया एक्सप्रेस इंडिया की एक लो कॉस्ट एयरलाइन कंपनी है और इस कंपनी का हेड क्वार्टर कोची केरला में है। टॉप 6 एयर एशिया इंडिया। एयर एशिया इंडिया भी इंडिया की एक लो कॉस्ट कैरियर एयरलाइंस कंपनी है। इस कंपनी का हेड क्वार्टर बेंगलोर में है। यह कंपनी जॉइंट वेंचर से स्टार्ट हुआ था टाटा सन्स और एयर एशिया वैरेड के बीच। टाटा सन्स का 51% शेयर था और एयर एशिया का 49% शेयर था। टॉप 5 विस्तारा। विस्तारा एयरलाइंस का पोजीशन नंबर 5 में आता है बेस्ट एयरलाइंस के लिस्ट में। विस्तारा एयरलाइंस का स्थापना 2013 में हुआ था। यह कंपनी भी जॉइंट वेंचर से स्टार्ट हुआ था टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस के बीच। टॉप 4 गो एयर। गो एयर एक बेस्ट एयरलाइन कंपनी है। इस कंपनी का स्थापना 2005 में हुआ था एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा जिनका नाम जे वादिया था। टॉप 3 स्पाइस जेट। स्पाइस जेट बेस्ट एयरलाइन के लिस्ट में 3रे नंबर पे आता है। यह भी एक लो कॉस्ट पैसेंजर कैरियर एयरलाइंस है। इस एयरलाइंस कंपनी का हेड क्वार्टर गुड़गांव में है। टॉप 2 एयर इंडिया। एयर इंडिया नेशनल कैरियर ऑफ इंडिया मानी जाती है। एयर इंडिया की हेड क्वार्टर दिल्ली में है। इस एयरलाइन कंपनी की स्थापना JRD टाटा के द्वारा हुआ था टाटा एयरलाइंस के नाम से, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यह पब्लिक सेक्टर कंपनी बना दी गई। टॉप 1 इंडिगो। इंडिगो बेस्ट एयरलाइंस के मामले में 1st नंबर पे आता है। इंडिगो एयरलाइंस का हेड क्वार्टर गुड़गांव हरियाणा में है। इस एयरलाइंस की स्थापना एज ए प्राइवेट कंपनी 2006 में राहुल भाटिया के द्वारा हुआ था।